नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। और अब देते हैं खबरों को विस्तार। घर घर जाकर जरूरतमंदों को बांट रहे हैं सूखा राशन, एक एक परिवार की लिस्ट बनाकर कर रहे हैं सेवा। जी हां, गंज वासोदा से ये खबर हमारे पास आ रही है। कोरोना संकट काल में सबकी अपनी अपनी महती भूमिका है। करीब 2 माह के लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के कारण सबसे ज़्यादा मार हुई है लोअर और मध्यम वर्ग परिवार और मजदूर वर्ग की। प्रशासन ने 3 माह का राशन सबको पहले ही दिया है। इसके अलावा डायल 104 नंबर सुविधा के लिए भी दिया है कि किसी भी ज़रूरतमंद को यदि लगता है कि राशन चाहिए तो वह नगर पालिका परिषद के कर्मचारी घर पर पहुंचकर सूखा राशन उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही नगर पालिका परिषद द्वारा एक सूची भी बनाई है, उन सभी ज़रूरतमंदों को 1 हफ्ते का राशन दिया जाता है और जैसे ही हफ्ता पूर्ण होता है नगर पालिका परिषद की गाड़ी कर्मचारियों के साथ पहुंचकर राहत सामग्री उपलब्ध कराती है। आज जब नगर पालिका परिषद के कर्मचारी वार्ड क्रमांक 7 में सामग्री वितरित कर रहे थे तब सावित्री महिला मंडल की लक्ष्मी शर्मा सहित सभी सदस्यों ने इन कर्मचारियों का स्वागत किया एवं कर्तव्य निष्ठा को प्रणाम किया और फूलमाला सोफा डालकर स्वागत किया। हमारे वार्ड में सेवाएं दे रहे हैं, हमारी गलियों में जो साफ सफाई हो रही है तो वो उन्हीं के कारण हो रही है। तो हमने जो हमारे सुबह सफाई में करने जो सेवा भाई भाई आते हैं उनका और जो राशन वितरण करने के लिए हमारे नगर पालिका से जो भाई आ रहे हैं उनका सम्मान किया गया है। हमारी सावित्री महिला मंडल की टीम के द्वारा उनका सम्मान, पत्रकार भाई जो दिन रात लगे हुए हैं देख रहे हैं कि दोपहर सबसे ज़्यादा कठिन काम है हमारे पत्रकार भाइयों का है।